चैनल टारगेट सीकर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास से शुरुआत करते हैं। चैप्टर होगा डायरेक्शन। बहुत किताबों में देखने को मिलता है कैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी देखने को मिलता है, और इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है कि हम बाएं गए, दाएं गए, कहाँ से चले और कहाँ खो गए। इस प्रकार हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन एंड टेस्ट, दिशा और परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक है ना? दिशा परीक्षण। अब क्या होता है कि चार होती है हमारी मुख्य दिशाएं। चार क्या होती है हमारी मुख्य दिशाएं? ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है हमारा पश्चिम, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण। और इन चार मुख्य दिशाओं की भी चार उप दिशाएं होती हैं जो बीच से गुजरती हैं। ये क्या होती है? चार उप दिशाएं। इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व, और इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना आप सभी को? दोबारा से रिपीट करता हूँ कि चार होती हैं हमारी मुख्य दिशाएं और इनकी भी चार होती हैं उप दिशाएं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारी दिशाएं हो गई आठ, ठीक है ना? इस प्रकार से हमारी कुल मिलाकर हो गई दिशाएं आठ। अब चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, घड़ी के घूमने की दिशा के अनुसार। तो घड़ी के घूमने की दिशा के अनुसार भी दो दिशाएं होती हैं। ये क्या होती है? घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उसके अनुसार इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसे? दक्षिणावर्त, या इसे बोलते हैं दाया 90 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं? दाया 90 डिग्री, या इसे ही बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसकी विपरीत होती है वामावर्त। जो घड़ी की सुई की घूमने की जो विपरीत दिशा होती है उसे बोलते हैं वामावर्त। ये इस प्रकार होती है, ठीक है ना? इसे बोलते हैं वामावर्त, या बोल दो इसे बायां 90 डिग्री, या एंटी इनके बीच में भी एक सिस्टम होता है। देखिए, दो दिशाएं होती हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का, और जो उप दिशा और मुख्य दिशा के बीच जो एंगल बनता है वो होता है 45 डिग्री का। कितने का बनता है? 45 डिग्री का। इसी प्रकार इन दो दिशाओं के बीच में भी एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। इसमें भी 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का, तो कुल मिलाकर ये हो गया 360 डिग्री का, ठीक है ना? अब आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, दो तीन एग्जांपल करते हैं, ये भी नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं दो तीन। दिशा निकालना, दिशा कैसे याद करते हैं? हम इधर गए उधर गए तो हमें कौन सी दिशा, पहले पूर्व में गए हम पश्चिम में गए तो हमें कौन सी दिशा याद करनी है? इस प्रकार से हम निकालते हैं, दो तीन सवाल करते हैं हम इस तरीके से। तो पहला सवाल लेते हैं क्वेश्चन कि राहुल पूर्व की ओर राहुल पूर्व की ओर चार किलोमीटर चलता है, ठीक है ना? राहुल पूर्व की ओर चार किलोमीटर चलता है, फिर बाएं बाएं 3 किलोमीटर चलता है,
ठीक है ना, फिर बाएं 3 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक है ना, पुनः बाएं मुड़ता है और क्या चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, तो अंत में राहुल की दिशा क्या होगी? अंत में राहुल की दिशा क्या होगी? ठीक है ना, आ जाइए अब अच्छे तरीके से समझते हैं कि राहुल की जो दिशा है, सबसे पहले देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करनी है। तो देखो आओ, राहुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से हमारा ये पूर्व कहाँ होगा? अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा, और ये क्या होगा, हमारा साउथ होगा। तो हमारा पूर्व किधर होगा, सबसे पहले इधर होगा। तो ये क्या, हमें क्या चलाना है, हमें 4 किलोमीटर चलना है, तो ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर चलना है। फिर क्या कहता है वो, बाएं 3 किलोमीटर चलता है। जब कभी बाएं और दाएं आ जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप को यहाँ फिक्स करके देखो, इस पॉइंट पर सबसे पहले अपने आप को फिक्स करके देखो कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर होंगे तो हमारा बाया किधर होगा और दाया किधर होगा, ये है सबसे पहले। तो बाएं 3 किलोमीटर अगर हम इस तरीके से खड़े हैं तो हमारा बाया किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो हम बाएं कितना चलना है, हमें 3 किलोमीटर चलना है। और यहाँ एक बात और ध्यान करने की है कि जब कभी भी देखो, अगर ये 4 है और ये 3 है, और आपने ये 4 की लाइन इतनी बड़ी की है और 3 की लाइन इतनी बड़ी की है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो ज़्यादा है उसकी लाइन बड़ी होगी और छोटी की छोटी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो यहाँ डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम होगी हमें। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखिए अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा बाया किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। तो पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा 4 किलोमीटर क्या हो गया। अब देखो ये भी 4 किलोमीटर है और ये भी क्या है, 4 किलोमीटर, तो ये सेम ही होनी चाहिए, 4 किलोमीटर मुड़ता है। अंत में राहुल की दिशा क्या होगी, तो आप बता दीजिए ये दिशा कौन सी होगी। तो आप देखिए ये दिशा क्या है, जब फिक्स करके देखिए क्या होगी, ये वेस्ट होगी, ठीक है ना, कौन सी दिशा होगी, ये वेस्ट होगी, ये है। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं, आपको दिख रहा ना ये, अंत में राहुल की दिशा क्या होगी, हमारी क्या होगी, ये अंत में राहुल की दिशा वेस्ट होगी। अगर अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, तो राहुल की दिशा क्या होगी, ये क्या होगी, अंत में यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से वेस्ट होती है, और स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं तो क्या दिशा होगी, ये नॉर्थ होगी, ठीक है ना। नहीं, आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं अभी, एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का कि राहुल 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है ना, राहुल 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर तथा 2 बार बाई ओर मुड़ता है, तथा 2 बार बाई ओर, 2 बार बाई ओर मुड़ता है, ठीक है ना, 2 बार बाई ओर मुड़ता है, तथा 1 बार, तथा एक बार दाईं ओर मुड़ता है,
है ना, एक बार दाई ओर मुड़ता है, अंत में राहुल किस दिशा की ओर देख रहा है या किस दिशा में है? अंत में राहुल किस दिशा में है? तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं सवाल की। राहुल 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो पहले एक पॉइंट लीजिए। अब यहाँ से देखिए दक्षिण किधर साइड होगा, अगर ये पॉइंट होगा तो दक्षिण किधर होगा? नीचे की तरफ, ठीक है ना। और कितना चलना है हमें? 3 किलोमीटर चलना है। चला दीजिए 3 किलोमीटर। पर वो क्या बोलता है? तथा 2 बार बाई ओर मुड़ता है। अगर आप इस पॉइंट पर सोचिए बाई ओर, तो इस पॉइंट पर आप खुद को बिठा के देखिए कि बाई ओर किधर होगा, बाई ओर किधर होगा हमारा। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो बाई ओर किधर होगा? दायां और बायां। बाई किधर होगा? इधर ही किधर होगा, ठीक है ना। और चलना कितना है? वो 2 बार। पहले हम बाई ओर गए 1 बार, ठीक है। अब ऐसे पहुंच गए, अब ऐसे खड़े हैं हम, तो बाई ओर किधर होगा हमारा? इधर। फिर कितना चलना है? 2 बार बाई ओर मुड़ता है। तो फिर इसे मुड़ा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद मुड़ता है तथा 1 बार दाई ओर। अब अगर हम ऐसे करें तो हमारा दायां किधर होगा? इधर वाला। तो 1 बार दाई ओर मुड़ता है, 1 बार दाई ओर मुड़ता है। अंत में राहुल किस दिशा में है? ये क्या है? अंत से देखना है, अंत में देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं देखना है, अंत में किस दिशा में है ये देखना है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये वाली ईस्ट हो गई है। कौन सी हो गई है? ईस्ट हो गई है, ठीक है ना। और शुरुआत से देखोगे, शुरुआत से भी अगर यहाँ से देखोगे, ये कौन सी दिशा? ये भी ईस्ट हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से दोबारा समझाऊँ, रिपीट करूँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो किसी को दो। देखो राहुल 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। किसी पॉइंट से देखिए दक्षिण किधर होगा, पहले तो आप ये देखिए। दक्षिण होगा नीचे की तरफ, ये होता है, ठीक है ना। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है ना। दक्षिण किधर होगा? नीचे की तरफ। तो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ खड़े होंगे तो हमारा बायां होगा इधर, ठीक है ना। तो बाईं ओर मुड़ता है 1 बार ही। तो अगर फिर बाएं मुड़ाना है हमें 1 बार, तो फिर 1 बार ही हो। फिर क्या बोलता है? दाईं ओर मुड़ता है। कितनी बार? 1 बार। तो ऐसे अगर दाईं ओर मुड़ेगा तो दायां इधर, दाईं ओर, बस यही पूछा है। चलो यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समझ तो आ रहा है ना आप सभी को? कमेंट करके बताएं अगर नहीं समझ में आए तो। यहाँ से आगे और भी पार्ट आएंगे इसके। एक सवाल और करते हैं। इसी प्रकार से सवाल मैंने टाइप नहीं किए हैं, वो कहीं से ले नहीं, अपने हिसाब से बनाए हैं समझाने के लिए। राहुल राहुल 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। दो किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है ना। तथा वह वामावर्त घूमता है। तथा वह वामावर्त घूमता है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, वामावर्त घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वहां से वह दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त 2 बार घूमता है। ठीक है ना। अंत में किस दिशा में राहुल जा रहा है?
किस दिशा में राहुल जा रहा है। तो आ जाइए, सबसे पहले तो आप पढ़िए कि निकालना क्या है, किस दिशा में, दिशा निकालनी है ठीक है ना। और अंत में किस दिशा में राहुल जा रहा है, जो अंतिम जो वो होगी हमारी डायरेक्शन वो निकालनी है हमें। तो राहुल 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो कोई पॉइंट मानिए। और यहाँ से पश्चिम किधर होगा, पश्चिम होगा इधर ठीक है। कितना चलाना है हमको, 2 किलोमीटर ठीक है। अब क्या बोलता है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है तथा वह वामावर्त, वामावर्त बोले तो घड़ी की सुई की जो चलने की जो दिशा होती है वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो हमें घूमना किधर है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। वामावर्त बोले तो बाया 90 डिग्री ठीक है ना, हमेशा 90 डिग्री घुमाओ उसे। वामावर्त बोले या दक्षिणावर्त बोले, पहले तो 90 डिग्री, पर वामावर्त बोले तो पर बाएं, और दक्षिणावर्त बोले तो दाएं, तो वामावर्त घूमता है। यहाँ से वामावर्त क्या होगा, बाएं। तो यहाँ से बाएं अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा बायां किधर होगा, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो यहाँ से हमारे बायां किधर होगा, हमारा इधर होगा। हमें कितना घूमना है, वह वामावर्त घूमता है, 1 किलोमीटर चलता है। तो वामावर्त हमारा ये हो गया, और कितना चलना है, 1 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, फिर वहां से वो 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिणावर्त 2 बार घूमता है। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो दक्षिणावर्त हमारा किधर होगा, दक्षिणावर्त बोले तो दाया 90 डिग्री, तो दक्षिणावर्त के लिए हमें दाया हमारा किधर होगा, इधर, और बाया इधर। तो ऐसे खड़े हैं तो दक्षिणावर्त हमारा दाया किधर होगा, 90 डिग्री ये। तो दक्षिणावर्त कितना घूमता है, 2 बार घूमता है। तो पहले तो दक्षिणावर्त हम 1 बार घूमे यहाँ आ गए, फिर यहाँ से भी दक्षिणावर्त लेना हमें 1 बार, और यहाँ से भी हमें दक्षिणावर्त लेना है 1 बार। तो कैसे लेंगे हम, अब यहाँ अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा दाया 90 डिग्री किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो दक्षिणावर्त हमारा हो गया ये ठीक है ना। दक्षिणावर्त 2 बार घूमता है, 2 बार हम घूमेंगे। अंत में किस दिशा में राहुल जा रहा है, ये कौन सी दिशा में जा रहा है राहुल, ये वाली कौन सी दिशा, ये हो गई हमारी नॉर्थ, कौन सी हो गई नॉर्थ। और शुरुआत से देखें तो हमारी ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई बेस्ट। शुरुआत से देखते हैं तो ये बेस्ट दिशा हो गई ठीक है ना। इस प्रकार आपने क्या निकालना सीखा, दिशा। इस टाइप के 3-4 सवाल बनते हैं, और आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, टारगेट सीकर को। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।